बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अपना चैप्टर चलता है रेशो एनालिसिस का, और इस रेशो एनालिसिस के अंतर्गत भी हम एक्टिविटी रेशो देख रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारे एक्टिविटी रेशो देखे हैं, आज हम अध्ययन करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कार्यशील पूंजी आवर्तनपात। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। यदि आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के डेटा नहीं है तो एक दूसरा फॉर्मूला है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का ज्ञात करने का फॉर्मूला है इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो चालू संपत्तियां हैं उनमें से यदि हम चालू दायित्व को घटा दें तो आपके संस्था के पास में नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। कार्यशील पूंजी का मतलब है कि संस्था में डे टू डे के जो काम हैं उनको कार्य करने के लिए जो लगी पूंजी है उसी को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में संपत्ति पक्ष में जो संपत्तियां दे रखी हैं उनमें से आपको करंट एसेट्स छांटनी है। करंट एसेट्स चालू संपत्तियों को आपको कैलकुलेट करना है, और उनमें से जो चालू दायित्व हैं लायबिलिटी साइड में जो दायित्व दे रखे हैं दायित्व पक्ष में उसमें जो करंट लायबिलिटीज हैं उनमें छांट करके और करंट एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज घटा देनी है, तो यह आ जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। अब प्रश्न थे चालू संपत्तियां किसे कहते हैं। आपको पिछले वीडियोज में हमने लिक्विडिटी जो रेशो बताए थे वहां पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ आपको कि करंट जो एसेट्स हैं चालू संपत्तियाँ हैं वे संपत्ति होती हैं जो वर्ष के दौरान सामान्यतः एक जो लेखा वित्तीय वर्ष है उसके दौरान अपना रूप बदलती रहती हैं, अर्थात वो कैश में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, बियाज हैं, स्टॉक हैं, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि करंट एसेट्स के अंतर्गत आप दिखा सकते हैं। करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व वो दायित्व होते हैं जो वर्ष के दौरान उनका भुगतान किया जाता है, यानी कि वो भी दायित्व अपना रूप बदलते रहते हैं। और ये दायित्व जो पक्ष है बैलेंस शीट का उसमें दिखाते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि कुछ जो अल्पकालीन जो दायित्व हैं उनको अपन इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो परीक्षा में आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी या इनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे होंगे, उनके आधार पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ेगी। यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है दे रखी है तो सेल्स के डेटा दे रखे होंगे, तो उसके बाद ये फॉर्मूला काम में लेना है। और नेटवर्किंग कैलकुलेट या तो डायरेक्ट दे रखी हुई नेटवर्किंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले से आपको नेटवर्किंग कैपिटल याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास में सेल्स के डेटा होंगे, नेटवर्किंग कैपिटल डेटा होंगे, तो इसके आधार पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो अनुपात है नेट वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशो है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है, ये बताता है कि संस्था में जो कार्यशील पूंजी है उसका किस दक्षता से उपयोग किया जा रहा है। यानी कि यदि ये उच्च आता है तो अति व्यापार का है, सपोज करिए 10 times आ रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के अंतर्गत उस संस्था के अंतर्गत हम कार्यशील पूंजी के 10 गुने के बराबर टर्नओवर कर रहे हैं, बिक्री हो रही है। यदि मान लीजिए 5 times आता है, कम आता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल का 5 times उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उसको निम्न यानी कि उच्च यदि आता है तो अति व्यापार का सूचक है, और यदि ये निम्न आता है तो अल्प व्यापार का सूचक है। तो इस प्रकार से इस रेशो का जो ज्ञात करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि संस्था में या कंपनी में हम ये देख सकते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका किस दक्षता से उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आपको जो वर्किंग कैपिटल रेशो टर्नओवर रेशो है ये भी ज्ञात करना है। और इससे पहले जो हमने पढ़े हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, करंट एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, उस एग्जांपल के अंतर्गत क्या देखिए, अब क्रेडिटर्स हैं 10,000 के,
बीपीस हैं 5000, ये रुपीज़ में सारे, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ ये 15000 हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो कि करेंट लाइबिलिटीज़ को दिखाएंगे, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं और अदर करेंट लाइबिलिटीज़ हैं। कैश इन हैंड है 10000 का, कैश एट बैंक है 5000 का, डेटर्स हैं आपके 10000 के, बीआर है आपका 5000 का, स्टॉक है आपका 20000 का, लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 70000, मशीनरी आपकी 30000 और फर्नीचर आपका 50000 और सेल्स दे रखी है यहाँ पर 6 लाख रुपीज़। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हैं। इन इन्फॉर्मेशन से आपको आज हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे, इसके साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर हम और दूसरे जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वो भी हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चूंकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा नहीं है, सेल्स के आंकड़े हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ये सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स के आंकड़े तो आप कितने दे रखे हैं, 6 लाख रुपीज, ये तो आपको दे ही रखा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अब आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में क्या करना है आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स में देखें अपन, कैश इन हैंड करंट एसेट्स का 10000, कैश एट बैंक 5000, ये भी आपकी करंट एसेट्स हैं, डेटर्स हैं 10000 रुपये के, बीआर से बिल्स रिसीवेबल्स हैं आपके 5000 और स्टॉक है आपका 20000, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है ये इसमें आएंगे नहीं। तो टोटल जो करंट एसेट्स हैं आपकी ये आ जाएंगे आपके 25, 35, 40, 50000, 50000 की आपकी टोटल करंट एसेट्स है, सी आ गई टोटल करंट एसेट्स इक्वल टू 50000, ठीक है, सी का मतलब करंट एसेट्स। अब आपको करंट सीएल यानी कि करंट लाइबिलिटीज ज्ञात करनी है। तो देखिए क्रेडिटर्स हैं आपके, करंट लाइबिलिटीज हैं 10000, बिल्स पेबल हैं आपके 5000 और अदर करंट लाइबिलिटीज आपकी 15000। तो टोटल जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं 30000। तो सीएल कितना हो गया आपका, सीएल का मतलब करंट लाइबिलिटीज आपकी हैं 30000। तब आपके पास में करंट एसेट्स 50000 माइनस करंट लाइबिलिटीज 30000 इक्वल टू 20000। 20000 क्या आएगा आपका, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 20000। अब आपके पास में सेल्स के फिगर हैं 6 लाख रुपीज, नेट वर्किंग कैपिटल के फिगर आपके आपका 20000, तो इसमें अपॉन कर दीजिए आप 20000 से 20, 0, 0, 30, तो ये आ गया आपका 30 times। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा होगा 30 times, यानी कि वर्किंग कैपिटल के 30 गुने के बराबर बिक्री हो रही है और उस संस्था में हम कार्यशील पूंजी का उच्च स्तर से प्रयोग कर रहे हैं, यानी अति व्यापार का सूचक है। बहुत कम वर्किंग कैपिटल रख करके हम कई गुना साल में यानी कि 30 times हम बिक्री कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इसी एग्जांपल से हम और दूसरे जो टर्नओवर रेशियो हैं वो भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये रिवीजन हो रहा है आपका क्योंकि पिछली वीडियोस में आप ये पढ़ चुके हैं। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स, क्योंकि इसमें सेल्स के डेटा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो सेल्स कितनी है, 6 लाख। अब आपको टोटल एसेट देखनी है कि यहाँ पर आपने देखी थी, ये तो होगी आपकी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, ये सारी सारी क्या है आपकी एसेट्स हैं। तो इनको यदि हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा जैसे 10000 कैश इन हैंड, क्योंकि ये तो लाइबिलिटीज हैं तो इसमें आएंगे नहीं, और कैश एट बैंक 5000, डेटर्स हैं आपके 10000, बीआर है आपका 5000 और स्टॉक है आपका 20000,
लैंड एंड बिल्डिंग आपका 70,000, मशीनरी आपका 30,000 और फर्नीचर आपका 50,000। ये आपके टोटल एसेट्स से देखो कितनी हो गई, 5, 5, 10, 1, 6, 3, 9, 7, 16, 2, 18, 19, 20, यानी कि 2,00,000 रुपए की आपकी क्या होगी टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स को भाग दे दीजिए इसमें 2,00,000 रुपए की, तो ये आ गया 3 times। ओके, टोटल एसेट टर्नओवर कितना आ गया 3 times, यानी कि संपत्तियों के 3 गुने के बराबर हम सेल्स कर रहे हैं वर्ष में, 3 times आपका ये एसेट टर्नओवर रेशियो आता है। क्लियर हो गया, ये वेरी सिंपल है कि सेल्स में टोटल एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों को मिलाकर के 2,00,000 की आई, इसे भाग दिया 3 times हो गया। ये तो हो गया आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर। अब आपको ज्ञात करना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट्स में टर्नओवर रेशियो की सेल्स के आंकड़े हैं तो इसमें यही आ जाएगा, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ये भी पिछली वीडियो में पढ़ लिया आपने, तो यहां पर सेल्स कितनी है वो 6,00,000। अब फिक्स्ड एसेट्स देखनी है आपको, देखिए फिक्स्ड एसेट्स में आएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, मशीनरी 30,000 और फर्नीचर 50,000, टोटल होगा 1,50,000। टोटल फिक्स्ड एसेट कितनी आ गई 1,50,000, इसका भाग दे दिए फिक्स 1,50,000, आई थिंक ये हो गया 15, 64, 4 times, ये आपका 4 times आ गया। क्लियर, वेरी सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स टर्नओवर निकालना है आपको, यहां लिखिए करेंट एसेट्स। करंट एसेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे, सेल्स अपॉन टोटल करंट एसेट, तो सेल्स दे रखी है 6,00,000 रुपए की आपको, और करंट एसेट कितनी है देख लिए, कैश इन हैंड अभी निकाली थी आपको 10,000, कैश एट बैंक 5,000, डेटर्स आपके 10,000 और बीआर आपके 5,000 और स्टॉक आपका 20,000। ये आ गया आपके 25, 30, 40, 50, 50,000 आपकी करंट एसेट्स आ गई। तो यहाँ 50,000 आपने करंट एसेट्स लिख दी, 12,50,000, 12 times। तो करंट एसेट टर्नओवर कितना गया 12 times। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमने 4 रेशो करीब देखे हैं, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो देखा, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो देखा, करंट एसेट टर्नओवर देखा और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो देखा। तो इसके आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।